ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप? ओके जी, आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी इज डूइंग गुड टुडे। ओके ग्रेट। सो जी, हम लोग जो हैं वो कुछ रीजनल टॉपिक्स को, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे CSS के सिलेबस का हिस्सा है। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे उन तमाम टॉपिक्स को जिनमें OIC जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। OIC जो है वो इसके साथ साथ हमारे पास टॉपिक रहेगा, सॉरी, SARC एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर ECO है, फिर OIC है। सार्क के ऊपर हमें हमारे पिछले पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ चुके हैं। सार्क गिव अ क्रिटिक ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सार्क, यानी कि सार्क की परफॉर्मेंस क्या रही है। ये 2002 के अंदर जो है वो पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि सार्क के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रही थी सिंस इंसेप्शन, क्या रोल इसने अदा किया। उसके अलावा हमारे पास एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ रीजन ऑर्गेनाइजेशन। सार्क से जो है वो हम क्या सीखते हैं, क्या एशियान जो कंट्रीज हैं वो क्या थी और सार्क क्या है। एशियान बेसिकली जो है वो कंट्रीज कुछ थी जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलके ट्रेडिंग पार्टनर बनाए थे, ठीक है। 11 के करीब जो है वो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो एशियन कंट्रीज हैं कौन कौन सी, जो 10 कंट्रीज हैं उनमें ब्रुनाई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तो उनके साथ कंपैरिजन इसका करवाया जाता है। फिर हमसे अफगानिस्तान इस इन सार्क के, अफगानिस्तान जब सार्क के अंदर आता है तो फिर जनाब हमारे पास क्या डिफरेंसेस आते हैं, 2008 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। फिर सार्क के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस आप दे सकते हैं कि जिनके जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन को हम मजबूत बना सकते हैं। मान लो जैसे हमने यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, तो यूरोपियन यूनियन जिस तरह से एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है कि सार्क भी वैसे बन सकती है, ये सवाल 2011 के अंदर जब पूछा गया था। और फिर पॉवर्टी एंड ट्रेड इन साउथ एशिया एंड द रोल ऑफ सार्क, के सार्क का रोल क्या है पॉवर्टी को कम करने में और ट्रेड को कम करने में। जी वेलकम सामान साहब। तो ये अभी तक जो है वो 5 मुख्तलिफ तरह से पूछे जाने वाले जो है वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। ये है सार्क की एक छोटी सी कहानी, ये है हमारे पास जो है वो सार्क के बारे में कुछ डिटेल्स। अब हम इसको मजीद डिटेल्स को देखने की कोशिश करते हैं सार्क के बारे में, लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, चीजों को डिगअप करने की कोशिश करें, ये सार्क है क्या, कहाँ से आ गया ये सार्क जो है वो, किसका आइडिया था और क्या जरूरी है, क्या वक्त है, क्या वैल्यू है इस सार्क की, और क्या सार्क को जो ममालिक फॉलो करते हैं कुछ जरूरी चीजें भी हैं, ये सब के सब वैसे ही चीजें चलते हैं। सो पेपर में अभी तक आने वाले ये सवालात है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें सार्क के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जरा इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, रीजनल कॉपरेशन एक ऐसी जो है वो हमारे पास तंजीम है जिसने इलाकाई जो है वो तआवुन को बढ़ाना था। अगर आसान करना कंट्रीज के नाम, बहुत ही आसान है, MBBS स्पेन के नाम से अगर हम देखें तो हमें याद हो जाएंगे सारे के सारे कंट्रीज के नाम। MBBS से हमारे पास क्या है, M से मालदीव है, B से बांग्लादेश है, B से भूटान है, S से श्रीलंका है, P से पाकिस्तान है, A से अफगानिस्तान है, I से इंडिया है और N से नेपाल है। तो ये MBBS स्पेन से हमें इस कंट्री के नाम याद हो गए। सो जी, ये हमारे पास सार्क कंट्रीज। सब पहले नंबर पे ये सवाल आता है कि ये सार्क करती क्या है, लेकिन उससे भी पहले ये जरूरी है कि सार्क को समझ लेते हैं। देखिए, साउथ
एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन एक तंजीम है जो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बनाई जाती है, ढाका में वजूद में आती है। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज की गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 8 के करीब जो कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नेटो भी है, इंटर गवर्नमेंट आई ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस भी है, जो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हैं। सो जी सार्क का हमारे पास जो है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका ने बनाया था। मकसद ये था कि भाई देखो, हमें साउथ एशिया को अपलिफ्ट करना है, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट उन दिनों जियाउर रहमान हुआ करते थे। जियाउर रहमान ने सोचा कि यार देखो, यूरोपियन यूनियन है वो तो अपनी कंट्री को बहुत तेजी से अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी तंजीम बना लेते हैं कि जिस तंजीम का मकसद ये हो कि हमने भी अपलिफ्ट करना। तो अब जब हमने इन चीजों को देखा तो सार्क का मतलब यह था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इसके साथ साथ सार्क का मकसद ये था रीजनल डेवलपमेंट की तरफ जाना। अभी जिस जगह पे सार्क की कंट्रीज हैं, पूरी दुनिया का 3% एरिया जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। यानी दुनिया में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 21 लोग सार्क के ममालिक में हैं, इन 8ों में से एक। 5.21% टोटल इकोनॉमी का हिस्सा है और ये जो है वो तकरीबन 4.47 ट्रिलियन जो है वो करीब डॉलर जो है वो इसके अंदर, इसका जो है वो इकोनॉमी के अंदर शेयर है। सार्क का सेक्ट्रेट जो है वो, सार्क का जो सेक्ट्रेट है वो काठमांडू यानी नेपाल के अंदर है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लॉन्च हुई थी हमारे पास साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के साथ, यानी इसने बकायदा तब से ऑनवर्ड्स मुख्तलिफ एग्रीमेंट के साथ काम करना शुरू कर दिया था। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि भाई इलाकाई तौर पर चीजों को इंटीग्रेट करो। द ओनली पर्पस दैट सार्क इज फॉलोइंग दैट इज टू प्रमोट द रीजनल इंटीग्रेशन। एंड व्हेन आई से रीजनल इंटीग्रेशन दैट मीन्स के भाई चीजों को बढ़ाने की कोशिश करो, रीजन को मजबूत करने की कोशिश करो। मान लो एक कंट्री, नेबरिंग कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट में चले जाती है कि भाई हम दोनों कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और तजारत को प्रमोट करते हैं आपस में। इस टर्म को हम लोग कंट्रीज की जुबान में, फॉरेन अफेयर्स की जुबान में पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पीई के नाम से भी जानते हैं। रीजनल इंटीग्रेशन, रीजनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए सार्क जो है वो लॉन्च करती है SAFT, यानी कि जिसे हम जो है वो क्या कहते हैं, ये हमारे पास सेप्टा भी कहलाती है। सेप्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है वो ये कहलाता है 2006 में। कुछ तफसीलात जो है वो, कुछ तफसीलात उसके बारे में मजीद हम जो है वो देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो कुछ डिटेल्स, कुछ चीजें शामिल हैं इसमें सेप्टा के बारे में। सेप्टा एक एग्रीमेंट था 2006 में, तो ये काम में वजूद में आया था, लेकिन सेप्टा नाम से जाहिर है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। दर हकीकत फ्री ट्रेड एरिया के एक ऐसा ट्रेड एरिया बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे कंट्रीज जो जो सिग्नेचर कर देंगी भाई, वहां पे उनको बैरियर्स कोई नहीं होंगे, उनके ऊपर टैक्स कोई नहीं होगा, वो टैरिफ जो है वो कम होगा, या तो टैक्स होगा ही नहीं, लेकिन अगर होगा तो बहुत कम होगा। और ये भी मुमकिन है कि कंट्रीज जो है वो फ्री बिल्कुल जो है वो चीजों को मूव करेंगे, यानी कि फ्री जो है वो अपना सामान मंगवा भी सकते हैं, भिजवा भी सकते हैं। तो ये है फ्री ट्रेड एरिया जो कि यहाँ पे बनाया गया। इसका मकसद ये था कि भाई अफगानिस्तान और
पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दरमियान, ये सारी के सारी जो 8 के करीब ममालिक हैं, मालदीव, बांग्लादेश वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब के साथ जो है, क्यों ना हम इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाए, क्यों ना हम इनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। सो 2006 में हमने एक मुआहदा कर लिया, और मुआहदा किया सार्क से। सार्क एक तंजीम है, ये तंजीम जो है वो इसका मकसद ये था कि मुझे रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ाना है, मुझे लोगों के अंदर ताबुन को बढ़ाना है। और ये आइडिया कहाँ से लिया गया था? यूरोपियन यूनियन से। अब जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या है? एक यूनियन है। कब जो है वो वजूद में आती है, क्या डिटेल्स है, कितने ममालिक हैं यूरोपियन यूनियन में? तकरीबन 27 के करीब मेंबर्स हैं। अगर हम बात कर लें तो यूरोपियन यूनियन जो है वो प्रीडिसेसर्स थी, ये तो ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के बाद वजूद में आ जाती है, मुख्तलिफ ट्रीटीज की जो है वो फॉर्मेशन होती है, तो बहुत पहले से मौजूद थे। वहां से आइडिया मिलता है, तो यहाँ पे सार्क जो है वो बना दी जाती है। अब कहानी इतनी सादा होती तो क्या ही बात थी। अब यहाँ पे जब ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उन्होंने बाकी सारी की सारी ट्रेड को भी बिल्कुल वैसे ही थका दिया जैसे आज पाकिस्तान का मैच है। यानी कि हम लोग सोच रहे थे कि ये तंजीम बनी है तो कुछ फायदा हो जाएगा, कुछ बेहतरी हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक चीज क्लियर हो जाती है, और वो ये होती है कि जनाब ये जो है वो एक ट्रेड एग्रीमेंट बन जाता है। मकसद ये था कि देखो यार, इंडिया तुम भी गरीब मुल्क हो, उस वक्त गरीब था, अफगानिस्तान तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, श्रीलंका के पास भी पैसे नहीं है, चलो मिलके काम करते हैं। और वो ये है कि हम लोग कस्टम ड्यूटीज जो है वो उनको जीरो कर देते हैं, कस्टम जो है वो हम एक दूसरे से नहीं लेते हैं। अब ये कस्टम ड्यूटीज जीरो कर देते हैं सर, लेकिन कस्टम्स किस चीज का नाम है? देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स की जुबान में बात करते हैं, तो एक ऐसा टैक्स जो रियासत पाकिस्तान वसूल करती है किसी भी दूसरे मुल्क से आने वाली चीजों के ऊपर, जो कस्टम्स लेता है, जिसका मतलब यह है कि भाई तुमने अगर मेरे मुल्क के अंदर कोई चीज बेचनी है तो मैं तुमसे टैक्स लूंगा। कोई इनकम के ऊपर भी हो सकता है, ये ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज वगैरह वगैरह। तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो हैं वो कस्टम एक दूसरे को छोड़ देते हैं, और हम जीरो जो हैं वो तमाम के तमाम चीजें जो हैं वो 2006 से 2016 तक जीरो जो है वो टैक्स लेंगे और चीजें एक दूसरे को भेजेंगे। अब मादे के तहत ये तय पाया कि अगर जीरो नहीं करना तो कम से कम पहले फेज में 20% कम करें, बाकी जो है वो फिर इसको ऐसे ऐसे जीरो करते हैं। सो जी, पाकिस्तान ने और बाकी सब ने जो है वो, पाकिस्तान ने ये बात 2009 में जो है वो मान ली थी, जबकि बाकी कंट्रीज ने 2011 तक इसको मान लिया था। अब यहां से जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि सारी की सारी कंट्रीज जो है वो प्रोसीड फर्दर करती हैं। सार्क जो है वो परमानेंट जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी रखता है, और ये पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का एक तंजीम के तौर पर। सो जी, पाकिस्तान और इंडिया की वजह से ये मामला थी, सार्क तंजीम बिल्कुल जो है वो पैरालाइज हो चुकी है, और बाकी सारे के सारे मेंबरान जो हैं वो अब कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से ज्यादा कॉपरेट करें, लेकिन अब इंडिया तो खसूसन बिम्स्टेक के ऊपर रिलाई करता है। अगर मैं बिम्स्टेक की बात करूं तो बिम्स्टेक हमारे पास वो मुमालिक हैं जो बे ऑफ बंगाल के साथ साथ हैं, इसको आप बाद में देख लीजिएगा, हमारे सिलेबस के अंदर बिम्स्टेक नहीं है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, तो बाकी मुमालिक इसका पार्ट है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसकी फुल फॉर्म। तो भाई उसने पेपर में पूछा है कि पहली तो क्रिटिक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सार्क, फिर उसने पूछा है कि जनाब ये क्या आप मुझे बताएं कि ये काम भी करती है या नहीं, अगर नहीं करती तो लेसन कौन से सीख सकते हैं, फिर अफगानिस्तान का रोल और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, ये सारी। अब जैसे हम यहाँ से आगे चलते हैं, मजीद डिटेल्स को कुछ जो है वो डिगअप करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ चीजें जो है वो समझ में आती हैं।
जैसे हमें पता चलता है ये कि अब ये जो डिटेल्स है, वो जो बिम्सटेक की मैं डिटेल बता रहा था वो यहाँ पे शामिल कर दी है। इससे जरा पढ़ लीजिएगा कि बिम्सटेक जो है वो क्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है यहाँ से ऑनवर्ड जो है हमारी डिटेल्स चलती हैं बिम्सटेक के बारे में, खुद से देखेंगे क्योंकि हम जो है वो सार्क के बारे में बात करेंगे। एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज अ सक्सेस स्टोरी इन लेसन्स। सार्क की जो सक्सेस स्टोरीज है वो हमें देखना, उनको मैयर करना काफी मुश्किल है। बात यह है कि हमारे पास जो सार्क है ये एशिया के अंदर रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए कायम की जाती है, लेकिन शुरू से ही इसको जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। एशियान जो है वो एक और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जिसे एशियान कहते हैं। अब इंडिया तो उसका भी पार्ट है, एशियान कंट्रीज जो हैं वो उसका भी पार्ट होने की वजह से सार्क जो है अब सारी की सारी चीजें उस तरह से कभी ना कर सकी जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन थी। देखिए, इंडिया ने पहले दिन से ही कोशिश की कि पाकिस्तान को मैंने जो है वो सेपरेट करना है, अफगानिस्तान को साथ मिलाया, ठीक है, इसके अलावा जो है वो मालदीव को, नेपाल को, भूटान को, इन सबको साथ मिलाया, लेकिन ये सब इंडिया के साथ ही क्यों मिलते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं मिलते हैं? द रीजन इज बैगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स। भाई, इंडिया इज गिविंग दम द बिजनेस, इंडिया इज प्रोवाइडिंग दम द मार्केट वेयर दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स, सो वट यू आर गिविंग दम दैट इज अ क्वेश्चन, सो नोबडी इज विलिंग टू सपोर्ट यू इन एनी केस। सो जी, इंडिया की तरफ जो है वो इन लोगों का काफी रोजाना काफी चीजें जो चलती हैं। अब सार्क के अंदर जो है वो जब हम अफगानिस्तान को इंक्लूड करते हैं तो अफगानिस्तान जो है इसने भी आके प्रॉब्लम जो है वो उनको इनहेंस कर दिया। वो इनहेंसमेंट कैसे हुई? टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से। सार्क जो है कहाँ तक रोल अदा करती है, कहाँ तक चीजें जो है वो लेके चलती हैं, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हमने साउथ एसोसिएशन जो है वो बात की, साउथ एशियन एसोसिएशन की, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा पुराना है, 1947 से ये चल रहा है। मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ्रेंसेस थी जिनमें हमारे पास बेगियो कॉन्फ्रेंस 1950 की बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है। आइडिया ये है कि क्यों ना पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से ये आइडिया मौजूद था कि क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए कि जिस तरह से जैसे यूरोपियन यूनियन ने काम किया उधर से उन्होंने ईयू बना ली और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन के नाम से कोई तंजीम बनाते हैं। लेकिन ये चीजें जो हैं इतनी जल्दी वजूद में ना आ सके। ये तो फिर जाके कहीं बांग्लादेश को आजादी मिली तो वहां का प्रेसिडेंट जियाउर रहमान का जवाब था। जियाउर रहमान ने मुख्तलिफ रीजनल लीडर्स को खतूत लिखे, उसने कहा देखो भाई, बात यह है कि तुम लोग अपने अपने मुल्कों के लीडर हो, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन तुम लोग दुनिया से कुछ भी नहीं सीखते हो। सारी की सारी दुनिया अपने मुल्क के मुफादात को इम्पोर्टेंट देती है, इम्पोर्टेंस देती है, बढ़ाती है, तुम लोग भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लो। पाकिस्तान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है इनके दरमियान भी जो है ये बड़ा जबरदस्त जो है अब मादा हुआ, लोगों ने देखा कि हाँ यार अच्छा है, ये बात तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है वो ग्रीन सिग्नल मिला पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से। अब हमारे पास जो है इसके लिए मजीद एफर्ट्स होना शुरू हो गई, साल 1979 आ गया हमारे पास। अब हुआ कुछ यूं कि इस दौरान जो है वो यूएसएसआर यानी कि जो रशिया था वो आ चुका था अफगानिस्तान के अंदर। अब जरूरत महसूस की गई कि हाँ यार आज देखो ये जो रशिया है ये हमारे ब्लॉक का हिस्सा तो नहीं है, कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अगर होती तो फिर बड़ा जबरदस्त मामला होना था। सो जी, यूएसएसआर ने जब इंटरवीन किया था अफगानिस्तान के अंदर, आई एम श्योर कि आप सबको याद है ये 24 दिसंबर साल 1979 की बातें हैं जब रशिया ने इन्वेड किया था और जंग
1989 में खत्म हुई थी पूरी, 9 साल 1 महीने 3 हफ्ते और 1 दिन ये चली थी। मुजाहिदीन यानी कि पाकिस्तान के बनाए हुए मुजाहिदीन ने ये जंग जीत ली थी। तो तब ये कोशिश की गई कि चलो यार कुछ ऐसा करते हैं, अब जो है इस कन्वेंशन के ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। ये बात थी कि जब हमारे पास कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं 7 ममालिक के, 7 कंट्रीज के ममालिक जो हैं वो इनके मिलते हैं। अब इनमें हमारे पास कौन कौन से ममालिक शामिल थे? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश जो शामिल थे। कोलंबो में 1981 में मुलाकात होती है, जिया साहब का आइडिया है और सभी मिलते हैं। बांग्लादेश जो है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव जो है वो इन्होंने तो फौरन से ही कबूल कर लिया कि हाँ यार ये आइडिया बहुत अच्छा है। इंडिया ने देखा कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने देखा कि इंडिया है। वही हमने इंडिया को मोहब्बत की निगाहों से देखा, इंडिया ने हमें मोहब्बत की निगाहों से देखा। तो बस वहीं पे हम दोनों को एक दूसरे पे शक हो गया कि यार ये इंडिया है तो मुझे इस रीजनल कॉरपोरेशन को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो भाई, इंडिया का ये कहना था कि साउथ एशिया के अंदर जो है वो टेररिज्म के पीछे पाकिस्तान है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इसको ज्वाइन करने में कुछ फायदा है। पाकिस्तान कहता था यार ये इंडिया जो है वो हमेशा से मुझे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है, मुझे तोड़ने की कोशिश करता रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि यार मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए, और मैं तो किसी सूरत में इंडियन प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर जगह नहीं दे सकता। भाई रीजनल कॉपरेशन था, मकसद तो यही था कि हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसी चीजें कि जिनसे तजारत जो है वो होगी, सामान आएगा। तो पाकिस्तान ने कहा कि ना भाई, मैं तो इंडिया का सामान बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो इंडिया कह रहा था कि देखो भाई ये पाकिस्तान है, ये लोग 1979 में मुजाहिदीन सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया को हराने में लगे हुए हैं, तो मैं इनके साथ क्यों पंगा लूं। उन दिनों पाकिस्तान का ढंका जो है वो चलाया करता था, पाकिस्तान की ठीक ठाक रिस्पेक्ट थी भाई। हमने रशिया को शिकस्त दे दी थी, रशिया को तोड़ दिया था, हमने पैसे आ रहे थे, डॉलर दे रहे थे हमें, अमेरिका जो है वो भाईजान बड़ी मोहब्बत से डॉलर्स पे डॉलर्स भेज रहे थे। वी वर हैप्पी। अब इंडिया को हमसे डर था और हमें इंडिया से। चले खैर, आगे जो है वो बात बढ़ती है, लेकिन फिर जो है वो कुछ दरमियान में कंट्रीज जो है वो डिप्लोमेटिक कंसल्ट्रेशन होती हैं कि चलें छोड़ें, कुछ नहीं होता, कर लेते हैं, क्या मामला हैं। अब की दफा बांग्लादेश जो है वो इसमें पड़ता है दरमियान में, और यूनाइटेड नेशंस के जब लोगों को पता चलता है कि भाई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है, तो यूनाइटेड नेशंस बड़ी खुश होती है कि चलो यार इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मामला खत्म हो गए, इन्होंने क्या मुझे तंग किया होता है, क्या मेरे पास जो है वो आ जाते हैं कि फौरन से कोई ना कोई केस लेके, तो चलो अच्छा है कोई तजारत इन लोगों के साथ हो, तो यूनाइटेड नेशंस भी बड़ा खुश होता है, इवन उसके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद होता है। सो जी, बांग्लादेश जो है वो इसने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया। सो 1979 से 1980 तक जो है वो पंजाबी में कहावत है कि जो जो बोले वही कुंडी खोले, तो बांग्लादेश जो है वो इसकी ड्यूटी लगा दी गई कि देखो भाई जियाउर रहमान बांग्लादेश से था, ये उसी की ड्यूटी थी, उसी ने ख्वाब देखा है सार्क का, तो अब इसका जो है वो बेसिक लीगल फॉर्म यानी कि जो ड्राफ्ट है वो भी तुम ही तैयार करोगे, हम तो नहीं करेंगे भाई। सो जी, ये भी जो है वो तय पाया कि बांग्लादेश जो है वो उसकी ड्यूटी लग गई कि वर्किंग पेपर भी तुमने ही तैयार करना है। जियाउर रहमान साहब ने देखा, सोचा, फिर उन्होंने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है, अगर मुझे ही करना है तो मैं कर लेता हूँ। अब ये सातों के सातों ममालिक जो है, और अफगानिस्तान तो बहुत बाद में आया, इंडिया ने इसे शामिल करवाया था। अब ये सब के सब लोग जो हैं वो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो मिलते हैं, और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो फॉरेन सेक्रेटरीज मिलते हैं, और फिर जनाब कोलंबो के अंदर 1 सितंबर 1981 के अंदर मीटिंग होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन तो बना ली, ऑर्गेनाइजेशन करेगी क्या भाई, बनाई किस मकसद के लिए है, क्या करोगे इसके साथ? उन्होंने कहा अच्छा यार देखो, हमने रीजनल कॉपरेशन तो करना ही है, यानी कि बाहमी तावन तो हम करेंगे करेंगे,
लेकिन वो कहाँ कहाँ पे करेंगे, अब वो हम थोड़ा सा टाइम दो, हम सोच के बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे तावन कर। चलो आगे बढ़ती हैं। अब हमारे पास जो है वो आ जाती है फर्स्ट मिट, यानी 1983। 1983 के अंदर क्या होता है? अब जी ये प्रोसेस जो था, इसके ड्राफ्टिंग वगैरह जो थी वो मुकम्मल हो गई, और सार्क के बारे में जो हमें फर्स्ट मीट मिलती है 1983 में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है ढाका के अंदर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है ढाका में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसको देखती है, जिसमें सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो लोग पहुंचते हैं, और वहां पे जाके फॉर्मली जो है वो पहली दफा IPA यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, IPA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है कि भाई हम सब लोग मुमालिक से हैं वो मिलके काम करें। और इरादा था कि चलो यार ऐसा करते हैं कि पहले नंबर पे हम काम करते हैं एग्रीकल्चर पे, भाई ज़राअत सबसे इम्पोर्टेंट है, खाना शाना कहाँ से खाना है, सो एग्रीकल्चर पहली फील्ड होगी जिस पे काम करेंगे। पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तो ठीक है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया से भी बीज मंगवा सकता है, बांग्लादेश से भी मंगवा सकता है, हमें जरूरत पड़ी हम भी मंगवा लेंगे, ठीक है भाई ये अच्छा है। दूसरे नंबर पे क्या करोगे? दूसरे नंबर पे यार ये देखो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, उन्होंने किस तरह से अपने आप को अपलिफ्ट किया, भाई उन्होंने तो अपने देहातों को अच्छा बनाया था, चलो ठीक है फिर हम भी अपने देहातों को अच्छा करेंगे, यानी कि अपने रूरल एरियाज को अपडेट करेंगे, अपने देहातों को बेहतर बनाएंगे। चलो भाई ठीक है, पहले नंबर पे तुम लोगों ने एग्री बोला, दूसरे नंबर पे तुमने कहा कि हम अपने देहातों को अच्छा बनाएंगे, चलो भाई जबरदस्त हो गया। अब और क्या करेंगे? पांच की एरियाज हैं जो टोटल। अच्छा यार पांचवें नंबर पे टेली कम्युनिकेशन कैसा है, क्यों ना हम कंट्रीज के दरमियान जो है वो टेली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाए, हाँ ये भी अच्छा है। अच्छा नंबर फोर्थ पे मेट्रोलॉजी और लोगों की सेहत को देखेंगे, और नंबर फाइव पे भाई पॉपुलेशन के ऊपर भी चेक लगाने की कोशिश करेंगे, आबादी बढ़ती 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 चले जा रही। सो जी अब हमारे पास जो है वो ये चीजें डिसाइड हो जाती हैं, पांच की एरियाज हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे खटमंडू के अंदर जो है वो इसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाता है, ढाका और इसका जो पहली यूनियन थी ढाका के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश की गई, और खटमंडू को कहा गया कि भाई खटमंडू जो है वो यूनियन का सेक्रेटरी जनरल होगा। तो खटमंडू के बारे में कौन नहीं जानता? नेपाल जो है, नेपाल का कैपिटल है, बड़ी पॉपुलर सिटी है, और इतनी पॉपुलर सिटी है कि वहां पे तकरीबन 9 लाख के लोग रहते हैं, ठीक है तो देखने के काबिल है, जाया जा सकता है। सो जी इसके साथ साथ हुआ कुछ यूं कि पहली सार्क की समिट होती है ढाका के अंदर 7 और 8 दिसंबर 1985 को, पहली समिट यानी कि पहली मीटिंग होती है। प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश अब की दफा जिया नहीं थे, हुसैन इरशाद थे। हुसैन इरशाद जो है वो इसको लीड करते हैं। हुसैन इरशाद एक मिलिट्री लीडर थे, मिलिट्री ऑफिसर थे, एक पॉलिटिशियन थे, बाद में पॉलिटिशियन बन गए। ये 1983 में हुसैन साहब जो है वो आ गए थे, 1983 से लेके फिर 1990 तक जो है वो ये प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। और इसको जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर भी समझा जाता है। अब हमारे पास जो है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही रही थी, प्राइम मिनिस्टर तब्दील नहीं हुई थी। ये 1971 में पाकिस्तान की आर्मी के साथ थे, सर्विस भी यहीं से शुरू की थी पाकिस्तान आर्मी से, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंचे हुए थे। तो जनाब इन्होंने अपनी जो सारी की सारी मार्शल लॉ थी उसको लगाया, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, और जनाब खुद को जो है वो इन्होंने बना दिया कि मैं जी आज से प्रेसिडेंट। तो हुसैन इरशाद जो है वो डिक्टेटर थे, बंगाली जो है। खैर अब इन्होंने जो है वो प्रोसेस को आगे बढ़ा और सिग्नेचर करते हैं जी, कौन कौन सिग्नेचर करता है जी, किंग ऑफ भूटान जो है वो साइन करता है, इसका किंग ऑफ भूटान के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, किंग ऑफ नेपाल है, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव है,
जरा बताइए उन दिनों में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? 1985 की बात हो रही है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे 1985 में? कौन थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट? जनाब जियाउल हक साहब, मर्दे मोमन, मर्दे हक, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे 1978 से लेके अपनी मौत तक, सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और पाकिस्तान की आर्मी के सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जियाउल हक साहब। क्या खूबसूरत, क्या बेहतरीन पर्सनालिटी थी, मुल्क का सत्यानाश कर गए जाते जाते। और ये इन्हीं की बदौलत है कि अल्लाह के फजल करम से आज मेरी सोसाइटी के अंदर 35,751 के करीब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे मदरसे रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ रजिस्टर्ड मदरसे हैं, और 22,000 के करीब जो है वो 22,000 के करीब अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। मुझे मदरसों से कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, होने चाहिए ये। अल्लाह करे कि 1 लाख से भी ऊपर चले जाएं, 1 करोड़ से भी ऊपर चले जाएं, मेरी दुआएं हम इन मदरसों के साथ हैं। लेकिन ये लोग अब्जॉर्ब क्या करेंगे सोसाइटी में, जो प्रोडक्ट है वो क्या है भाई, इनको स्ट्रीमलाइन भी करना चाहिए। दूसरे जियाउल हक साहब जो है शहादत के बहुत जो है वो दिलदादा थे, अल्लाह ताला की जात इनके दर्जात को बुलंद फरमाए अगर जन्नत में है तो। जियाउल हक साहब जो है ये इन्होंने मदरसा कल्चर दिया, और इन्होंने खुले में कहा था कि भाई देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जंग में यूएसएसआर के खिलाफ जितने बंदे चाहिए मैं बंदे प्रोवाइड करूंगा। पाकिस्तान की कौम के पास ना रोटी था, ना कपड़ा था, और ना ही मकान था। यही इस कौम के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है कि जो भी लोग आते हैं 1970 के इलेक्शंस में भी इसी बात ने भुट्टो को वोट दिलवाए थे, रोटी कपड़ा और मकान ने, और इसी वजह से ये लोग जो हैं वो बेचारे मुल्क के दो टुकड़े हो गए थे। देखो मुजीबुर रहमान लाख बुरा सही, लेकिन उसका नारा देखो वो कभी भी रोटी कपड़ा या मकान का नारा नहीं था। देखो बंगाली हमसे सोच में तब भी आ गए थे, उनका जो है वो तब उसके 6 नुकात क्या थे कि कन्फेडरेशन जो है वो जनाब फेडरल लूज होनी चाहिए। उसके 6 नुकात क्या थे कि भाई हमारे जो है वो स्टेट बैंक को अपनी यानी कि बंगाल के अंदर कायम करो, उसको जो है वो ऑटोनोमी दो। उसके पॉइंट क्या थे कि सिवाय डिफेंस के और करेंसी के और कुछ अपने पास ना रखो। उसके पॉइंट क्या थे, मुजीबुर रहमान के पॉइंट ही कुछ और थे, तो साढ़े रोटी कपड़ा ते मकान और बस मिल गई सीट सारी के साथ। यहाँ पे ये था, और भुट्टो साहब जो है वो इस नारे के साथ हैं और बंगाल वाले इस नारे के साथ हैं। अब दोनों कौमों के साथ देखेंगे वो किस तरह से अपनी कौम को लेके चल रहा है। और अगर आप जो है वो देख सकें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो बांग्लादेशी टका है वो 2.57 के करीब करीब जो है वो, यानी कि तीन जो है हमारे 3 रुपए जो हैं वो उनके 1 टका के बराबर हैं। और सादा लफ्जों में बता दूं तो अगर बंगाली जो है वो उनके 1,000 है तो आपके 3,000 के करीब होगा। क्वाइट हिलारियस, एक ऐसा जो हमारा पार्ट था कि जिसे हमने सबसे जो है वो लोएस्ट समझा और उस पर कभी तवज्जो नहीं दी थी। इसका मतलब है एरिया में मसला नहीं है, मसला कहीं और है, और वो मसला शायद रेक्टिफाई करने की जरूरत है। वेरी गुड, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब जी हमारे पास जो है मेंबरशिप आ जाते हैं कि भाई जब ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो कोई ना कोई मेंबर्स तो होंगे ना भाई। तो मेंबर्स के लिए हमने जो है वो 7 के करीब ममालिक तो मौजूद था। अब हमारे पास जो है अफगानिस्तान को तो कहीं हमने बाद में जो है वो शुरू किया, बाद में जो है वो शामिल किया। सो अफगानिस्तान आ जाता है और बाकी ममालिक भी अब तो इसका पार्ट है। सो इनके बारे में डिटेल्स हमारे पास ये हैं कि ये सारे के सारे ममालिक हैं, 7 स्टेट्स मौजूद थी जब इसको बनाया जाता है। अफगानिस्तान जो है इन्होंने ये कहा 2005 में कि भाई हम भी जो है वो इसका पार्ट बनना चाहते हैं। भाई अफगानियों को कैसे पता चल गया कि सार्क साउथ हमारे पास जो है एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, उन लोगों को तो अपनी होश नहीं होती, तो वो तो पाकिस्तान से भी गरीब मुल्क था भाई। इंडिया ने बताया ना, इंडिया ने मोटिवेट किया कि इधर भी है,
चलो आओ इस इधर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। लेकिन भाई इंडिया का क्या फायदा था, उसने क्यों किया? देखो यार बड़े भोले लोगों, पाकिस्तान को सेपरेट करना था। अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो तुम लोगों ने 9 के 9 को अपने साथ मिला लिए, तो 10वां तो अकेला रहेगा ना भाई। और जब 10वां जो है वो बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल सेपरेट है, उसे कोई मुंह नहीं लगाएगा, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये 9 के 9 ममालिक को मसला क्या है? ये यहाँ पे इस केस में हमारे पास बाकी 7 ममालिक को मसला क्या है? वो क्यों इंडिया को सपोर्ट करेंगे? भाई इंडिया के पास, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, इंडिया के पास जॉब्स हैं, इंडिया के पास बिजनेस है, इंडिया के पास स्ट्रांग करेंसी है, इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, इंडिया मदद भी कर देता है ममालिक की, अब तो इस कंडीशन में भी है। इंडिया एक इमर्जिंग जो है वो हमारे पास एक कंट्री है, वो तो अब तो उसने तो IMF को खैरबाद कह दिए हुए अरसे से, और आपने अल्लाह के फजल करम से वो 23 दफा जाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया IMF के पास। तो भाई आपसे कौन आएगा? आपसे तो आपके अपने दोस्त जो हैं वो UAE और सऊदीया, वो भी पनाह मांगते हैं। हम पनाह मांगते हैं पाकिस्तान से, हम बस थक गए हैं। तो भाई ये वजह है इंडिया ने अफगानिस्तान को मोटिवेट किया 2005 में कि भाई सार्क में आ जाओ, बड़ा स्कोप है आजकल इधर। तो अफगानियों ने आओ देखा न ताओ देखा, उन्होंने कहा चलो भाई सार्क में चलते हैं। और 2005 में अभी इंडिया ने इसको बताया ही है कि कोई सार्क जो है वो मौजूद है, इंडिया ने फौरन से जो है वो उसके लिए अप्लाई भी कर दिया 2005 में। हालांकि हर मुल्क को जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का बताया जाता है वो पहले सोचता है कि अच्छा यार देखते हैं इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, लेकिन सार्क के लिए इंडिया ने फौरन से अप्लाई कर दिया। अब बड़ी डिबेट होना शुरू हो गई, हर मेंबर स्टेट जो है वो डिबेट करता है। अफगानियों का बहरे का फिर डर तो था सबको कि भाई टेररिस्ट है, अफगानी खुले में जो है वो दुश्मनी करता है। अब की दफा सब जो है वो ममालिक उन्होंने डिबेट करने शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यार देखो अफगानिस्तान जो है तो हमारे पास जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री ना है, तो एशिया के अंदर ही आती है, तो भाई इसको भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल एशियन है ना, तो ये मिड ईस्टर्न कंट्री है, और ये ना तो सेंट्रल एशियन है, चलो लेकिन ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है तो इसे एक ही बना लेते हैं। सो जी उन्होंने कहा कि ठीक है हम अफगानिस्तान को शामिल कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त है अफगानिस्तान भाई, तुम्हें एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। कहा गया यार जितनी शर्तें कहते हो पूरी करने के लिए तैयार। अफगानिस्तान को कहा गया कि अपनी कंट्री के अंदर इलेक्शन करवाओ, तुमने इलेक्शंस नहीं करवाए हुए तो हमें क्या पता कि तुम लोग जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हो भी या नहीं हो। जनरल इलेक्शन करवाओ, और वो वाले इलेक्शन करवाना जो नॉन पार्टीजन हो। ठीक है, सो जी 2005 में अफगानी इलेक्शन करवा लेते हैं। हालांकि अफगानियों ने बड़ा इस पर माइंड किया कि तुम लोग हमारी रिलक्टेंट रहे, उन्होंने कहा कि यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई कि ये हमें जो है वो इलेक्शन कह रहे हैं। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान जो है वो उन्होंने इलेक्शन करवाया। इंडिया ने कहा भाई घबराने की बात नहीं है, अफगानिस्तान इलेक्शन करवाओ, तुम अल्लाह का नाम देखो, हम तुम्हें पैसा देते हैं। उन्होंने करवाया। आखिर इंडिया को मसला क्या है भाई, क्यों आते हैं, क्यों उसको सपोर्ट करता है? भाई देखें TTP जो है वो धराधर ऑपरेट कर रही है तालिबान से, तालिबान को पाकिस्तानी गवर्नमेंट वार्निंग देती है तो वो वार्निंग को हंस के उड़ा देते हैं, वो कहते हैं खैर है, वो कहते हैं कि जी हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती, तो कौन सी इस्तेमाल होती है? ये कुलभूषण यादव कहाँ से आ जाता है, स्पाइस कहाँ से आते हैं? अफगानी खुले में सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। देखो ये चाय के एक कप पीते हुए जैसे लम्स में PM काकर कह रहा था कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि हमने चाय पीते पीते जो है वो कह दिया कि जनाब ऐसा कर लेते हैं कि तमाम के तमाम अफगानियों को डिपोर्ट कर देते हैं। रिमेम्बर 2 लाख के करीब अफगानी तो हमने डिपोर्ट कर दिए हैं, 1.7 मिलियन, 17 लाख अफगानी वो हैं जिनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई वीजा है, ना कुछ है। और इसके जिम्मेदार कौन है जरा मुझे बताएंगे? अफगानियों के पास ये सब कुछ कुछ नहीं है, जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या इसके लिए अफगानी जिम्मेदार है? यस और नो? अफगानी जिम्मेदार है इसके लिए कि अफगानियों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और वो आपके मुल्क में मौजूद है? हु
इज रिस्पॉन्सिबल, किसने इजाजत दी थी उनको कि जब जंग हो रही थी बॉर्डर को ऐसे खोल दिया था, जैसे हम लोग सियालकोट से लाहौर जाते हैं, जैसे हम लोग पिंडी से इस्लामाबाद जाते हैं, तो किसने कहा था कि भाई आ जाओ चले आओ चले आओ। हिस्ट्री में, तारीख में सबसे ज्यादा महाजरीन को जो सपोर्ट करने वाला मुल्क था वो पाकिस्तान था, क्यों किया पाकिस्तान ने सपोर्ट, क्या वजह थी, क्या वजह थी, मतलब आपकी कौन सी जो है वो, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाई डिड यू सपोर्ट अफगानिस्तान इवन नोइंग द अफगानी दे आर कमिंग टू योर कंट्री एंड योर कंट्री इज ऑलरेडी इन द डोल्ड्रम्स। द वेरी रीजन इज दैट जो हमें सपोर्ट कर रहे थे, द डॉलर्स वर देयर और पाकिस्तान को तो कंट्रोल कर रही थी एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने कहा जी बस ठीक है, आते जाओ आते जाओ आते जाओ, अब चले जाएं जरा मार्केट में चले जाएं। हमें अफगानियों को निकालने जाने पे अफसोस है कि उन्हें नहीं इस तरह से निकालना चाहिए, आप उन्हें वार्निंग दें, उनको टाइम दें, कम से कम 1 साल का टाइम दें, उन्हें बताएं कि आपके पास इतनी वार्निंग है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले लें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं, अपने बिजनेस को अच्छी तरह से सेल आउट कर लें, नो वरीज, अब 1 साल के अंदर जो है वो चले जाएं। आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये टीटीपी के साथ मिलके हमले करते हैं, भाई देखो पहली बात तो ये है आपको अपने मुल्क में पनाह नहीं देनी चाहिए थी, हर कंट्री का क्राइटेरिया होता है, अगर तुम लोगों को लगता था कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम नहीं रख सकते हैं तो क्यों आपने बॉर्डर जोन के लिए ओपन किए, चलो ठीक है मान लिया तुम लोगों ने बॉर्डर ओपन कर दिए, लेकिन उसके बाद जब उनकी कंट्री में अमन हो गया, जब अशरफ गनी आया, जब हामिद करजई आया, तो उन्हें वापस भेजो, तो भाई आपकी कंट्री में अब अमन हो चुका है, वापस चले जाओ। फिर आपने 2021 के अंदर जो है वो तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबान की गवर्नमेंट लेके आए इस उम्मीद के साथ कि अब सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये पॉलिसी और ये हालात इतने बुरे हुए कि अब आपको सब के सब तालिबान को निकालना पड़ रहा है। क्यों निकालना पड़ रहा है? ताकि अफगानियों को ये प्रेशराइज करने के लिए कि जिस आका के पीछे, जिस गवर्नमेंट के पीछे तुम लग के टीटीपी के पाकिस्तान में फॉल किए हुए हो, हम तुम्हारे लोगों को निकाल सकते हैं। अफगानिस्तान ने तो कभी हमसे दोस्ती निभाई नहीं, और हमने उनसे सपोर्ट करने की कोशिश की, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है, लिखिएगा जरा कि पाकिस्तानी ट्रक एंटरिंग इन अफगानिस्तान एंड दे आर टोरिंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, दे आर ह्यूमिलेटिंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर सेंडिंग देम द एड। दो अफगानिस्तान जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन हजूरे वाला जब आप कंट्रीज की बातें करते हैं तब रिलीजन को साइड पे रख दें, रियासत पाकिस्तान का कोई मजहब नहीं है, रियासत पाकिस्तान का कोई मजहब नहीं है, रियासत पाकिस्तान का मजहब होता तो आज फोर्सेस जो हैं वो फलस्तीन के अंदर होती, हम लोग मजहब की बुनियाद पे फैसले नहीं लेते हैं, रियासत पाकिस्तान का रिलीजन नहीं है, रियासत अफगानिस्तान का मजहब नहीं है, ये सब का सब जो है वो, तो फिर ये क्यों किया जाता है कि हम लोग, हमारे पॉलिटिशियंस तकरीर करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस ये दिखाते हैं इयाक नाबुदु व इयाक नस्ताईन है, सबके सब है, नॉट ओनली इमरान खान लाइक ऑल नवाज शरीफ जरदारी, तो ये मजहब क्यों दिखाते हैं, बिकॉज अवाम ये देखना चाहती है, अवाम ये चाहती है कि इसने तस्वीर पकड़ी, अवाम ये चाहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब हज पे गए, अवाम ये चाहती है देखें जी परवेज मुशर्रफ साहब के लिए खाना काबा खोला गया, तो भाई उनको वोट चाहिए ना, उनको वोट दोगे, उनको वोट चाहिए इसीलिए तो वो इस तरह से करते हैं। ये कैसे पता सर इन्हें वोट चाहिए, भाई जिया को भी तो आपने ऐसे किया था, जिया ने इस्लामलाइजेशन को लेके आया था, बहुत से मौलवी हजरात ऐसे हैं वो जिया को कहते हैं कि जी अच्छी पॉलिसी से मदरसे बनाए थे, काम किया था, भाई क्या काम किया था, पाकिस्तान के लोगों को जो है वो उसने बेच दिया था, और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो आगे 1970 तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सॉर्ट ऑफ लिबरलिज्म जो है वो मौजूद थी, खवातीन जो हैं दे वर नॉट फीलिंग हैरासमेंट वेन एवर दे वर इन द यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तान क्वाइट ओपन हुआ करता था, लाइक ओपन से मतलब ये था कि लोगों की सोच इस तरह से दकियानूसी नहीं थी जैसे आजकल जो है वो टर्की है, क्योंकि 1960 में अयूब खान था और अयूब खान काफी लिबरल बंदा था, इतना लिबरल था कि इसने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन से लफ्ज इस्लामिक ही निकाल दिया था, वो बाद में अमेंडमेंट में शामिल किया गया था इस्लामिक, अयूब खान को ये लगता था कि मैं रियासत को मजहब से अलहदा करता है। हाँ
आमिर साहब, हमने कहाँ सपोर्ट किया यार अफगानिस्तान को? आप हमें कहें, हम जिस जिस कंट्री को कहते हैं उसे सपोर्ट कर देते हैं, बस डॉलर्स का फ्लो आप जारी रखें। आपने हमसे रशिया को जो है वो शिकस्त दिलवाई, हमने दे दी। आपने हमसे रशिया के अंदर रशिया की फौज को शिकस्त देने वाले तालिबान हम ही ने पैदा किए थे, आपने बाद में वही तालिबान हमसे ही मरवाए दोबारा से, जो आपने 1978-79 में जो तालिबान पैदा हमने किए थे, उन्हीं मदरसा से जो जयाने दिए थे, उन्हीं को हमने जो है वो 2001 की वॉर ऑन टेरर में मारा। और ये TTP वही तालिबान है, इन्होंने यही तो कहा है। ये कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने ही हमें पैदा किया, अब तुम लोग हमें मार रहे हो, ये क्या बात हुई? आप हमें हुकूमत करने दो, वो मजे दो वापस। सो हमारे पास लिबरलिज्म अच्छा नहीं है, लेकिन रेडिकलिज्म नहीं होना चाहिए। जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं, लिबरलिज्म का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप इस्लामिक दार को पीछे छोड़ दो। रेडिकलिज्म जो है वो खतरनाक है, रेडिकलिज्म जो है वो। और जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं ना, ये लिबास की बात नहीं हम कर रहे हैं। लिबरलिज्म का मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी को जो है वो देख रहे हैं आप लोग। लिबरलिज्म एक पूरी पूरी फिलॉसफी का नाम है। लिबरलिज्म का मतलब ये है कि आप अपने मुआशरे के अंदर जो है ये चीजें समझाने की कोशिश करते हो कि भाई आप आजाद हो, अपने ख्यालात को अपने तरीके से एक्सप्लेन करना है, आप आजाद हैं, जिसमें आप मुआशरे के लोगों को फ्रीडम देते हो, इक्वलिटी देते हो, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हो। सो जब मैं अयूब खान और लिबरलिज्म की बात करता हूँ, तो मेरी मुराद ये है, गोके अयूब खान एक डिक्टेटर था, गोके उसने सारी पावर्स अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन वो प्रोग्रेसिव थिंकिंग को सपोर्ट करता था। वो ऐसा बंदा था जिसने IMF से बड़े बड़े जो है वो माहिर मुआशियात मंगवाए थे, और वो कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर डाल सकूं। गोके वो जो रास्ता डालना चाहता था, वो चाहता था वो सबका सब मेरे से होकर जो है वो जाए। आई एम श्योर आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन मिस मिश्रा। तो अब जी अफगानिस्तान से कहा, उसने कहा कि अफगानिस्तान ने इलेक्शंस करवाए, अफगानिस्तान जो है वो सार्क का 8वां मेंबर बन गया 2007 के अंदर। अब बड़ी मजेदार बात है जी, अफगानिस्तान आ गए, वेलकम, खुश आमदीद, वी आर वेरी हैप्पी कि आपने जो है ज्वाइन कर ली। 2021 आ जाता है, 21 हमारे लिए एक और स्याह दिन, दिखने को हमारे लिए स्याह दिन। देखो यार, जिंदगी में ना बाज़ुकात ऐसा होता है, आप शुरू शुरू में किसी पेपर में फेल हो जाते हो, अब जब वो फेल हो जाते हो, आपको लग रहा होता है यार मैं बहुत 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 उदास हो गया, मेरे लिए नाकामी थी। लेकिन क्या पता वो छोटा सा इम्तहान था, तुम पास कर जाते तो जिंदगी में तुम आगे कभी ना किसी बड़े इम्तहान में जा ही ना पाते। 2021 में हमने तालिबान को खुल के सपोर्ट किया। तालिबान इतनी बड़ी पावर बन चुके थे कि 1 मई यानी कि 1 मई 2021 से लेके 15 अगस्त 2021, 3 महीने और 2 हफ्तों के अंदर अंदर पूरे के पूरे अफगानिस्तान को फतह कर लिया इन्होंने। इतनी बड़ी ताकत बन चुके थे सिर्फ 3 महीने के अंदर। यानी कि जो यूएसए ने इतने साल मेहनत लगा के आर्मी शार्मी तैयार की थी, सब कागज की तरह, कागज की कश्ती की तरह बह गई। अशरफ गनी भाग गया। हु वाज द अशरफ गनी? अशरफ गनी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द अफगानिस्तान, और काबुल जो है वो अफगानिस्तान के हाथ आ गए। सारी की सारी आर्मी ने वैसे ही सरेंडर कर दिया जैसे एक अजीम कंट्री की आर्मी ने 1971 को सरेंडर किया था। तालिबान ने कहा कि भाई हमारा जो पुराने वाला मुल्क था इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, वो दोबारा शुरू हो गया। इस तरह से 2001 से लेके 2021 तक जो जंग थी वॉर ऑन टेरर, वो खत्म हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी चीजें और भी खत्म हो जाती हैं, और उनमें तालीम शरीफ फहरिस्त थी। सो जी तालिबान जो है वो दोबारा आते हैं, और हमने इनको सपोर्ट किया था। जितने लोग वॉर ऑन टेरर में हमने पकड़े थे अमेरिका की मदद से, सारे के सारे जो हैं वो अब या तो प्राइम मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, या प्रेसिडेंट हैं, और ये सब के सब वो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अब ये 2021 में दोबारा आ गए हैं, और आके क्या कहते हैं,
वो कहते हैं कि जी अब हम दोबारा मेंबर हैं, हमें रिकॉग्नाइज करो, हमें तस्लीम करो। अब कंट्रीज ने इसको जो है तस्लीम ही नहीं किया। अब मसला एक और बन गया कि 2023 में जो है वो अफगानिस्तान की बारी थी कि सेक्रेटरी जनरल इनका होगा, अफगानिस्तान से होगा, लेकिन अब मसला ये है कि इस कंट्री को तो तस्लीम ही नहीं किया गया किसी ने। अब ये भी एक बड़ा स्याप है। अब मुख्तलिफ कंट्रीज ने कहा, देखें भाई कंट्री की गवर्नमेंट को तस्लीम करना होता क्या, मतलब ये है कि अब आपका जो है वो वजीर आजम इमरान खान था, इमरान खान को जो है वो आपकी प्रोसेस से, आपके आयन के प्रोसेस के मुताबिक उसको हटा दिया गया, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट ने हटाया, जिसने भी हटाया, बट उसको हटा दिया गया। अब हमारे जो है वो आ जाते हैं वो छोटे भाईजान जो हैं, जो हमेशा अच्छा वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ही नहीं लेता, वो जहां पे भी चला जाए, बड़े भाई नवाज शरीफ साहब, बड़े भाई नवाज शरीफ साहब, इन्होंने सब कुछ किया, मतलब भाई तुम भी कुछ कर लो, मतलब ठीक है यहाँ सबको फ्लैटरिंग करो, बट यार तुम तो बिल्कुल ही हैंड पैक्ड बने हुए हो। अच्छा जी, अब वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है ये, लेकिन ये मैं बता रहा था कि एक तरीकेकार था जो पाकिस्तान का आइन सपोर्ट करता था। दुनिया कहती है कि भाई हम उस गवर्नमेंट को मानेंगे जो आवाम की गवर्नमेंट है, मतलब पाकिस्तान में आज एक जत्था उठता है और वो उठने के बाद ये कह देता है कि जी मैं पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करता हूँ, लेकिन आवाम नहीं मानती, दुनिया उसे तस्लीम नहीं कर रही। अच्छा अब मुझे बताएं कि मार्शाला पाकिस्तान के अंदर लगाया जाता है, तो क्या वो आवाम की मर्जी से लगाया जाता है या क्या उसे दुनिया तस्लीम करती है? क्या उसे दुनिया तस्लीम करती है? दुनिया तस्लीम करती है आवाम की मर्जी से लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता? किस किस को लगता है कि मर्जी से लगाया जाता है, किस किस को लगता है कि मर्जी से नहीं, इवन जनरल तस्लीम नहीं करते हैं। आपको ये जान के शदीद हैरत होगी कि वो आपकी आवाम की मर्जी से लगाया जाता है। आवाम जब तंग आ जाती है ना किसी पॉलिटिशियन से, तो पहले अब तो आवाम थोड़ी सी सुधर गई है आवाम की। हाँ ये जरूर है कि उनकी मर्जी, वो बहुत कम लोग होते हैं, 70% जो है वो कहेंगे कि नहीं लगना चाहिए, मुमकिन है 20% कहेंगे लगना चाहिए। और ऐसा हुआ, जियाउल हक ने, मुशर्रफ ने बाद में ये पोल करवाए, उन्होंने कहा जी देखें सारी की सारी आवाम खुश है। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड उसको तस्लीम करती है जो उनके उनके पास रिजल्ट्स पहुंचते हैं। तो अफगानिस्तान वो कहते हैं कि जी आवाम की मर्जी के मुताबिक है ही नहीं, बहुत से और भी पैरामीटर्स होते हैं लेकिन उनमें से एक ही है। अब जी बांग्लादेश की बारी है अफगानिस्तान के बाद, तो वो कहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो उसका सेक्रेटरी जनरल लगा दो, अफगानिस्तान को स्किप कर दो, भाई सार्क चले, उसके बाद जब हल हो जाए तो सार्क को दोबारा लगा दो। अब ये मशवरा किसने दिया है? ये भारत राज पौधेल साहब ने जो है दिया। अब ये कौन है? नाम तो हिंदुस्तानी लगता है, लेकिन इनका नाम जो है वो बेसिकली नेपाल से है, हिंदू लेकिन नेशनलिटी नेपाल की है, ये नाम इनका मैंने लिख दिया। इनका मशवरा ये है कि जब तक इनके हालात ठीक नहीं होते भाई, तो ऐसा करो बांग्लादेश को दे दो। अब जी ऑब्जर्वर कंट्रीज आ जाती हैं, ये तो मेंबरशिप कंट्रीज थे। ऑब्जर्वर कंट्रीज, भाई ये ऑब्जर्वर क्या होता है? देखने वाले, भाई क्या देखते हैं वहां पे, कोई शो चल रहा होता है जिसे इन्होंने देखना होता है, ये क्या ऑब्जर्व करती है? देखो यार कुछ ममालिक ऐसे होते हैं वो बड़े इंटरेस्ट रखते हैं दुनिया के अंदर चल क्या क्या रहा है। मोहल्ले में अब उस आंटी का तो आपको पता ही होगा जो हर जगह घुस जाती है, और वो जगह कहती है जाके कि मैं तो बस यहाँ पे देखने आई थी क्या चल रहा है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं बस आजकल जिंदगी के हालात और वाकत ऐसे चल रहे हैं, मैंने सोचा चलो जाते जाते गुजरती चले जाती हूँ। और फिर अगर उस आंटी को लगे कि यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम बन सकता है, कोई झगड़ा फसाद हो सकता है, तो कुछ ना कुछ आपने देखा होगा कि बचपन में कभी किसी जमाने में आपकी फूफो होती होंगी, अगर नहीं है तो किसी और की फूफो होती होंगी, वो ये कहा करती थी, वो उन्हें बड़ी फिक्र होती थी आपकी शादी की, क्योंकि दरअसल आपकी शादी अगर हो गई तो फूफो कहाँ करेंगी बेटियों का मामला, या वो अपने बेटे का क्या करेंगे। कुछ इसी तरह से ये भी कंट्रीज है, इनका भी रोल कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वर है भाई।
ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे चल क्या रहा है। ऑस्ट्रेलिया उनमें से सबसे पहले सार्क के ममालिक, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, जापान है, मॉरिटीज है, म्यांमार है, साउथ कोरिया और आप सबका प्यारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब भाई ये सब के सब करेंगे ऑब्जर्व। अब ये ऑब्जर्वर करेंगे मतलब क्या करेंगे, मकसद ये है कि भाई ये ऑब्जर्वर की हैसियत से ज्वाइन करेंगे और बाद में अगर इन पुप्पो जान को घर वालों ने कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है इनको भी मेंबर बना लेते हैं ये भी अच्छा है, तो फिर हम इन्हें मेंबर भी बना लेंगे। तो चाइना ने तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी 2007 से ऑब्जर्वर स्टेटस की। चाइना ने जिस जिस को कर्जा दिया हुआ है वो सब के सब ममालिक से बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना को सपोर्ट करने में सबसे पहला नंबर किसका हो सकता है जिसने कहा कि जी चाइना को तो जरूर मेंबरशिप है, वो कौन सा मुल्क हो सकता है? उन्होंने कहा है कि इसको तो जरूर दें चाइना को, बाकियों की खैर है चाइना को दें। वो हमारा प्यारा पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव्स भी है, सिवाय इंडिया के और अफगानिस्तान के सबने कहा, दो ममालिक ने नहीं कहा, इंडिया ने नहीं कहा और अफगानिस्तान ने नहीं कहा। अच्छा आने वाले वक्त में आप इंडिया और अफगानिस्तान को सिनोनिम के तौर पर यूज कर सकेंगे। इंडिया और अफगानिस्तान के इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि आप इस्तेमाल करेंगे कि ये बिल्कुल सिनोनिम्स हैं। अच्छा एक चीज देखिएगा, जरा जरा देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि रियासतों का मजहब नहीं होता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पॉलिटिशियंस का मजहब नहीं होता है। देखो चाहे अफगानिस्तान जो है उसका कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, चाहे उसका कुछ भी है, अगर आप उसके बारे में कुछ भी देखना चाहते हैं तो मैं हामिद करजई, जब सॉरी जब हमारे पास जो है वो काबुल के अंदर हुकूमत थी इससे पहले, आपने तब देखा था कि इंडिया के साथ उनकी कैसे रिलेशनशिप थे, क्या अच्छे रिलेशनशिप थे या बुरे रिलेशनशिप थे। जब हमारे पास जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है जो जो गवर्नमेंट थी वो तालिबान की नहीं थी, तो अफगानिस्तान के इंडिया के साथ कैसे रिलेशनशिप था? कैसे रिलेशनशिप था इंडिया के साथ जो है वो, दे वर गुड। अभी जब तालिबान की हुकूमत है, हसन अकंद जो है वो जो तालिबान है और वो उसका प्राइम मिनिस्टर है, अभी भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये क्या सीन है, ये क्या चक्कर है भाई। इसमें पहले भी जो है वो इनके साथ जो है इन्हीं की गवर्नमेंट थी, अभी भी जो है वो इन्हीं की गवर्नमेंट है, अशरफ गनी होता है तब भी इनकी जो है वो अच्छे ताल्लुकात है इंडिया के साथ। रियासतें कभी मजहब के नाम पे किसी से लेन देन नहीं करते हैं, रियासतें अपने ताल्लुकात मजहब की बुनियादों पे एस्टेब्लिश नहीं करते हैं। भाई उस समय से तो सऊदीया को सबको सपोर्ट करना चाहिए, आप सब मुसलमान हैं, नहीं करता वो इंडिया को सपोर्ट करता है। शाह सलमान आया था इंडिया से होकर चला गया था, द रिलीजन दैट इज योर पर्सनल मैटर। आप दुनिया को ला कहें कि हम भी मुसलमान हैं तुम भी मुसलमान हो, को काम करते हैं, वो कहते हैं भाई यार ये आपका अपना मसला है, वी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर इशू, वो नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमसे काम की बात करें, मजहब की बातें ना करें। सो चाइना की एप्लीकेशन 2007 से जो है वो मौजूद है, हम चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया, इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, बाकी सब करते हैं। इस्लाम में यकजहती की बेस है। देखें जो हमारे पास जो नॉन बिलीवर्स है ना हमारा, वो ये कहते हैं कि भाई तुम लोग ये कहते हो इस्लाम ये है लेकिन तुम लोग करते तो नहीं हो। इस्लाम तो एक दीन कामिल है, हम इस्लाम की तो बात ही नहीं कर रहे। जो रियासतें हैं वो ये मानती हैं कि हम मजहब की बुनियादों पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। आपकी OIC खामोश है, क्यों नहीं वो फलस्तीन के खिलाफ किसी भी, इतने ममालिक हैं एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, ने क्यों नहीं सपोर्ट करते, क्यों नहीं वो जंग लड़ता? बिकॉज रिलीजन इज नॉट देयर प्रायोरिटी। आज की रियासतों का इलम ये है,
यस पीपल दे आर नो मोर मटीरियलिस्टिक्स। इस्लाम क्या कहता है यार मेरा, वो तो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। रियासतें उसको मानती हैं या नहीं मानती हैं, ये है कि रियासतों के लिए मजहब अब इम्पोर्टेंट नहीं है। वो ये समझते हैं कि हमें अपनी तजारत देखनी है, ठीक है। यमन ने कहा था कि जी मैं एयर स्ट्राइक्स करना चाहता हूँ इसराइल के ऊपर, मुझे इजाजत दी जाए। सऊदी अरेबिया ने कहा था कि खबरदार हमारी जो है वो एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल हो सकती, हम नहीं करने देंगे तुम्हें इसराइल के खिलाफ जो है। और गजा का बहुत सा हिस्सा जो है वो उन्होंने कर लिया हुआ है, कवर कर लिया हुआ है, कंक्वर कर लिया हुआ है IDF ने, लेकिन चल रहा है। पाकिस्तान नहीं बोलेगा, क्यों बोले भाई, हमारे पास पैसे नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों को कहना है, ये नहीं बोलेंगे। अगर मजहब हो तो वो इकबाल ने कहा था ना कि जो मोमिन है वो नहीं करता शमशीर पे भरोसा, वो तो लड़ पड़ता है, वो तो चला जाता है। खैर जी, अब जी हमारे पास आगे सिचुएशन चलती है, तो सब के सब जो हैं वो चाइना को अब ऑब्जर्वर स्टेटस पे तो मिल जाता है। चाइना को जो है वो कोशिश करते हैं कि इसके बाद आगे चलें। आगे जी चलते हैं, कंट्रीज जो हैं अब ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो US जो है वो लेता है। फिर 2007 में काफ़ी ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इनको ऑब्जर्वर स्टेटस की रिक्वेस्ट आ जाती है। अब ये स्टेटस जो है US को, साउथ कोरिया को और यूरोपियन यूनियन को 2006 में मिल जाता है, ठीक है। 2006 में US को, साउथ कोरिया को, यूरोपियन यूनियन को ये ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो मिल जाता है। ईरान और मोरिटीज जो है इन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है लेकिन इनको नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, और वजह ये कि US नहीं मान रहा। पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर्स जो है वो म्यांमार जो है, म्यांमार ने भी रिक्वेस्ट की हुई है। म्यांमार कहता है कि जी मुझे अपने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है, अब मुझे फुल मेंबर का स्टेटस दें, मैंने देखा है बड़ा अच्छा काम हो रहा है तो फुल मेंबर। अच्छा इसके फायदा क्या होगा फुल मेंबर की हैसियत से? भाई रीजनल इंटीग्रेशन मिलेगी, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, इंडिया से सामान में टैरिफ में कमी मिलेगी, बेहतरी आएगी, वीजा की पॉलिसीज नरम होंगी, बाकी सब कुछ होगा। चाइना, रशिया, टर्की, साउथ अफ्रीका जो है अब उन्होंने क्या किया है, वो क्या करते हैं, उन्होंने जो है वो फुल स्टेटस जो है उसके लिए भी रिक्वेस्ट की हुई है, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका जो है, देखिए कितना बड़ा नेटवर्क होता चला जा रहा है। साउथ अफ्रीका आता है, वो कुछ मीटिंग्स के अंदर जो है वो शिरकत करता है, पार्ट करता है। साउथ अफ्रीका जो है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, और अब जो है वो सिर्फ वो ऑब्जर्वर की हैसियत से चाहते हैं कि उन्हें जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाए। तो बहुत से ममालिक जो हैं वो इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। एक बंगाली का आइडिया था, और देख लें कहाँ तक जो है वो चीज़ें चल रही हैं, प्रोसीड फर्दर कर रही हैं। चलें जी अब जो है वो सार के सेक्ट्रेट की बात कर लेते हैं, सिविल सेक्ट्रेट। सेक्ट्रेट होता क्या है? अच्छा देखो यार, किसी भी मुल्क का काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो हैं, आई एम द पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, HED। HED में ये सेक्ट्रेट से मतलब ये है कि जो भी ऑफिसर्स 17 से लेके 22 तक हैं उनको डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल करेगा सेक्ट्रेट, ठीक है। और जितने जो हैं वो ऑफिशियल हैं 1 से लेके 16 तक के, इनको डायरेक्टली कंट्रोल करेगा इनका जो है वो डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करेगा सेक्ट्रेट। अब बेसिक लेवल पे समझाना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने अगर मेरा स्केल है, फॉर एग्जांपल 16 स्केल है, मेरा जो बॉस होगा वो मेरे जिले में बैठा होगा, डिस्ट्रिक्ट में बैठा होगा, जिसके पास, जिसके कलम में इतनी पावर होगी कि वो मुझे मेरी जॉब से निकाल सके, मुझे डिसमिस कर सके। ये पावर उसे तफवीज की है सेक्ट्रेट ने, लेकिन अगर मेरे पास 17 है या मेरे पास जो है वो 18 है तो ये पावर चले जाएंगी सेक्ट्रेट के पास, लाहौर के पास। इसका मतलब है मेरा जो बॉस है वो टॉप ऑफ द लिस्ट पे कोई बैठा होगा, और मुझे जिस बंदे ने, वही डिसमिस कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। यही बात है कि 17, 18, 19 वाले लोग जो होते हैं
ये थोड़े से आजादाना होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जिसके पास पहुंचना है बॉस, उसके पास यही नहीं है, उसके पास 10 लाख के करीब और भी लोग हैं जिनको उसने देखना है। सो नोबडी इज गोइंग टू गिव दम एनी बोल्ट एनी जोल्ट। सर पाकिस्तान को क्या एडवांटेज है सार्क का, किस कंट्री से फ्री ट्रेड कर रहे हैं हम? हमें जी आगे चल के हम देखते हैं, ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, पहले इसका ये देख लें, सेटअप समझ लें। हमें तो इसका जो एडवांटेज हुआ वो हुआ, बाकी कंट्रीज को खैर बहुत है, हमें तो अल्लाह के फजल करम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, इसका सार्क का सेक्रेटरी यानी कि जो पूरे के पूरे सार्क को कंट्रोल करता है वो काठमांडू के अंदर है, जो किसी भी जगह पे किसी कंट्री की सर्जनेज कर सकता है। और यार ये क्या किया तुमने, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 16 जनवरी 1987, यानी कि जहां से डायरेक्शंस मिलती हैं इसको। अब ये क्या करता है, सेपरेट का मतलब ये है कि जो सारी की सारी चीजें हैं ना, जो सारे का सारा आपको डिपार्टमेंट नजर आता है, उस डिपार्टमेंट का सीपीयू जो दिमाग है वो ये है, सेक्रेट है। सेक्रेट को जो है वो, इसका इफ्तिताह जो है वो किसने किया था, सेक्रेट का इसका जो है वो इफ्तिताह बिरिंद्रा बीर विक्रम शाहदेव ने किया था। ये नेपाल का किंग था, बेसिकली ये नेपाल का किंग था, 1945 में पैदा हुआ था, और चूंकि जब तक इसे मरना नहीं था इसने किंग ही रहना था, तो 2001 तक यही किंग था। ये किंग महिंद्रा का बेटा था, ठीक है, तो ये किंग था, इसने जो है वो इफ्तिताह किया बीर विक्रम शाह ने। अब सेक्रेट जो है ये हब समझा जाता है जिस सार्क के लिए। अब यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो सार्क को सारी की सारी चीजें जो है वो कंट्रोल करने वाला जो है वो ये मौजूद है, लेकिन कंट्रोल करता क्या है? अब हमने जैसे मैडम इंशा ने एक सवाल पूछा कि भाई हमारे पाकिस्तान के लिए क्या फायदा हो सका, भाई हमें अब किताबी बातें तो ये हैं कि भाई पहली बात तो ये फायदा इकोनॉमिक कोऑपरेशन देगा, दूसरी बात ट्रेड अपॉर्चुनिटी देगा, तीसरी बात कल्चरल एक्सचेंज देगा, चौथी बात रीजनल स्टेबिलिटी देगा, तो हम कोलेब्रेशन करेंगे, हम जो है वो बहुत सी चीजें जो है वो आसान बनाएंगे, वीजा पॉलिसीज जो हैं उनको हम आसान बनाएंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो फायदा ले सका? तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास अभी आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि फायदा लिया या बस फिर ये भी सियासत की नजरिया हो गया। स्पेशलाइज्ड बॉडीज विद इन सार्क, अब सार्क के अंदर जनाब स्पेशलाइज्ड बॉडीज भी बनाएंगे, जिनके बस मैंडेट ये था, जिनका स्ट्रक्चर ये था कि अच्छा भाई देखें आपका कुछ काम है। आपने अक्सर देखा होगा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ बोर्ड्स को बनाया गया जिनका मकसद ये था कि आपने जो है ये सार्क के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये फॉरेन या एक्सटर्नल अफेयर्स को देखेंगे, ये होस्ट करेंगे गवर्नमेंट को, एक पूरी की पूरी बॉडी बना दी गई। अब आपको ये जान के खुशी होगी कि जो फॉरेन बॉडीज हैं इनके अंदर भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वालों की सीटें मौजूद हैं। काम ये पाकिस्तान जो है एफएसपी वालों का है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले जो हैं ये अलग से एक क्लीक हैं, ये एक ऐसा ग्रुप है जिनकी अपनी बदमाशी होती है, तो इन्होंने इनकी सीटों पे भी काफी पे कब्जा किया हुआ है। सो ये वैसे मुल्क का अपना काम होता है, वो जिसको भी लगा दें, वो चाहे किसी गधे को जाके वहां पे लगा दें तो उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन पीएस वाले जो हैं वो इन सीटों पे भी चले जाते हैं। दरअसल पीएस वालों ने ना पॉलिसीज बनानी होती हैं, जब वो गवर्नमेंट में होते हैं तो वैसी पॉलिसीज बनाते हैं कि जो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो वो उनको अकोमोडेट कर सकें, कि किसी भी डिपार्टमेंट का रिटायर ऑफिसर यहाँ पे लगेगा, ये लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी सार्क में भी उनकी सीटें। अब इनका काम यह है कि सार्क के अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को देखना, एड्रेस करना स्पेसिफिक जो है वो आर्बिट्रेशन को, डेवलपमेंट को, एजुकेशन को, रीजनल स्टैंडर्ड्स को। अब ये जो है वो सारे का सारा काम है। अब हमारे पास जो है वो इसके रीजनल सेंटर्स भी मौजूद हैं। रीजनल सेंटर्स इसके जो है वो क्या काम करते हैं,
वो भी इन तमाम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ढाका के अंदर है, भूटान के अंदर है, रीजनल सेंटर्स जो हैं वो न्यू दिल्ली के अंदर हैं, इंडिया में हैं, मालदीव के अंदर हैं, ये देखें जरा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चर सेंटर ढाका में है, मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ढाका में है, जो फॉरेस्ट्री सेंटर है वो थिम्फू में है, सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है ये हमारे पास है, यहाँ पे मौजूद है। वेबसाइट नहीं लिखेंगे जी पेपर में, बाकी सारी चीजें मेंशन कर देंगे अगर ये इसके ऊपर जो है डिटेल में आता है। एक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है और वो है जी इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में, और दूसरा है एनर्जी सेंटर जो है वो। ठीक है, दो पाकिस्तान के अंदर है, बाकी सब जो है वो दुनिया के पास है। ये हमारे पास जो है वो इनके रीजनल सेंटर्स हैं, इनकी डिटेल्स है। मुख्तलिफ कंट्रीज को मुख्तलिफ तरह से सपोर्ट करना इनका जो है वो एजेंडा है। इनका एक अपना एंथम भी है भाई, एंथम भी है जिसको ये जो है वो प्ले करते हैं। अब हमारे पास जो है वो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी आ जाता है, बाकी चीजें भी आ जाती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, जो आपका क्वेश्चन है मैडम साहब वो यहाँ पे है कि पॉलिटिकल इश्यूज में जो है वो हमें क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आई एम गोइंग टू टेक अ स्टॉप हियर, क्योंकि इसे मैं आज जितना भी इनहेंस कर दूँ ये कल की क्लास में ख़त्म होगा, और मैंने जो है वो ये क्वेश्चन जो थे पिछले पेपर्स के उनको सेपरेटली यहाँ पे मेंशन करके उनको अटेम्प्ट कर दिया, ये जो अभी तक पेपर में आए थे। ठीक है, कि इनकी परफॉर्मेंस क्या रही थी, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए क्या है वो सेपरेट जो है वो मेंशन है। ठीक है, इसके जो है वो चैलेंजेस क्या हैं, अभी तक इसको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, ये सब के सब मेंशन है। सेप्टा क्या है, ये तमाम चीजें हम डिटेल से इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस, द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछा जा सकता है। चलें जी, ये फाइल जो है वो अपडेट कर दी गई है आपके उसी जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसे, और सार को जरा डिटेल से देखिए। वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक टुमारो, बाय टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर जी, खुदा हाफिज।